नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज और आज फिर से मैं आपके अपने परिवार सक्सेस फिक्स में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, यानी कि जो हमसे पूछा जाता है आजकल कि क्या क्या पूछते हैं, और मैंने एनालिसिस किया है कि एग्जाम में अधिकतर आता क्या है। तो एक छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं कि राज्यों में क्या हो रहा है आजकल, कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या होता है, यानी कि अगर छोटे छोटे पॉइंट पूछना है, अंदर की बात पूछते हैं तो वही है कि आपके पास क्या आएगा, उत्सव महोत्सव या त्योहार के संबंध में, यानी कौन सा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, कौन सा उत्सव होता है वो कौन से राज्य में होगा, और आपके पास कौन सा महोत्सव है वो कौन से राज्य में हो रहा है, वो पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च करे हुए। और शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका ही फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक महोत्सव है, क्या एक उत्सव या महोत्सव है, कि बताइए कि एक उत्सव है सनई उत्सव, क्या आपके पास है सनई, क्या सनई उत्सव, क्या सनई उत्सव, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सनई उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर। क्या रहेगा आपका आंसर, मणिपुर। अब आपसे पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर पर कि बताइएगा कि मकई महोत्सव, क्या आपसे एक महोत्सव का, क्या मकई महोत्सव, क्या मकई महोत्सव, क्या आपके पास मकई महोत्सव, बताइए कि आपका कौन से राज्य मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, क्या मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हॉर्नबिल महोत्सव, क्या तीसरे नंबर पूछ लिया जाए कि बताइए कि हॉर्नबिल महोत्सव, क्या हॉर्नबिल महोत्सव, तमिलनाडु। हॉर्नबिल महोत्सव, क्या आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव कौन से राज्य मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, नागालैंड, क्या नागालैंड में किसमें मनाया जाता है, नागालैंड में। अब आपके पास चौथे नंबर पे आ जाएगा कि बताइए कि नुआखाई महोत्सव, क्या नुआखाई महोत्सव, जे पिछली बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि नुआखाई महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा राज्य में। अब आपके पास पांच नंबर पर आ जाएगा कि रण उत्सव या युगादि त्योहार, क्या रण उत्सव या युगादि, क्या युगादि उत्सव, युगादि त्योहार, क्या युगादि त्योहार, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि रण उत्सव या युगादि त्योहार कौन से राज्य मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि जी हमारा किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात, किस में मनाया जाएगा, गुजरात राज्य में, क्या कौन सा रण उत्सव या युगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाएगा, गुजरात राज्य में। अब आपके पास आ जाएगा छठवें नंबर पर कि बताइएगा कि कंबाला, क्या कंबाला भैंसा दौड़, क्या कंबाला, कंबाला भैंसा दौड़, क्या कंबाला भैंसा दौड़ कहां पर होती है, क्या कौन से राज्य में होती है, कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कर्नाटक, क्या कर्नाटक जाना जाता है कंबाला भैंस दौड़ के लिए, आपको पता ही है कि वहां पे बुल फाइटिंग भी होती है। अब आपके पास रहेगा सेवंथ नंबर पर कि सेवंथ नंबर पर पूछ लिया जाए कि बताइए कि पोंगल जलीकट्टू त्योहार कहां पर आता है, एक क्या आपसे पूछ लिया, पोंगल है और जलीकट्टू है, क्या जलीकट्टू, क्या जलीकट्टू त्योहार कहां पर मनाया जाता है, जलीकट्टू, जलीकट्टू त्योहार, क्या जलीकट्टू त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु, क्या आंसर होगा आपका, तमिलनाडु। पोंगल जलीकट्टू त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो आप बता पाओगे तमिलनाडु में। अब आपके पास आ जाएगा 8 नंबर पर पूछ लिया बिहू त्योहार या अंबिबाची मेला, क्या बिहू त्योहार, बिहू, या आपसे पूछ लिया जाए कि अंबुबाची, क्या अंबुबाची, क्या अंबुबाची, क्या अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए असम, क्या
किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। क्या बिहू और अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? तो आप क्या कहोगे? असम में। अब आपके पास आ जाएगा 9 नंबर पर। क्या 9 नंबर पर पूछ लिया जाए कि बताइए गुड़ी पांडवा त्योहार, क्या गुड़ी पांडवा, क्या पांडवा त्योहार, गुड़ी पांडवा त्योहार, क्या गुड़ी पांडवा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाएगा? तो आप क्या कहोगे? महाराष्ट्र में। क्या आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र में कौन सा? गुड़ी गुड़ी पांडवा त्योहार। क्या गुड़ी पांडवा त्योहार कौन से राज्य है? महाराष्ट्र में। अब आपके पास आ जाएगा कि 10 नंबर पर कि तो किया जाएगा लोसंग त्योहार। क्या लोसंग त्योहार कौन सा? लोसंग त्योहार कौन से राज्य मनाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? लोसंग त्योहार तो किस राज्य मनाया जाएगा? आपका सिक्किम में। किस राज्य में? किस में? सिक्किम में। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में मनाया जाएगा। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। अब आपसे पूछ लिया ओणम त्योहार। क्या 11 नंबर यानी 11 नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि ओणम त्योहार, क्या ओणम त्योहार कौन सा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ओणम त्योहार कौन सा? ओणम त्योहार। तो ओणम त्योहार आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है आपके पास। अब आपके पास 12 नंबर पर आ जाए कि बताइए कि आदि महोत्सव कहाँ लगता है? आदि महोत्सव कौन सा? आदि महोत्सव, क्या आदि महोत्सव? तो आपका आंसर क्या रहेगा? लेह लद्दाख। क्या लेह लद्दाख, क्या लेह लद्दाख किसमें रहेगा? लेह लद्दाख में। अब आपके पास पूछ लिया है पुष्कर मेला या हाथी उत्सव। अब आपके पास 13 नंबर पर क्या पुष्कर मेला या हाथी महोत्सव, क्या हाथी महोत्सव, क्या हाथी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? राजस्थान। किसमें? राजस्थान। किसमें? राजस्थान में। किसमें आ जाएगा? राजस्थान में। आपके पास 14 नंबर पर पूछ लिया जाए कि बताइए कि क्या सूरज कुंड मेला, क्या सूरज कुंड मेला कहां पर लगता है? तो आप क्या बोलोगे? इस सूरज कुंड मेला कहां पर लगता है? सूरज कुंड मेला, क्या सूरज कुंड मेला? तो आप क्या कहोगे कि आपका क्या लगेगा? हरियाणा। हरियाणा। अगर पूछ ले प्रॉपर जगह पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि फरीदाबाद में। क्या फरीदाबाद किसमें? हरियाणा के फरीदाबाद में। तो आपके पास इतने ही थे जो इतने ही पूछे जाते हैं, क्या इतने ही पूछे जाते हैं कि जो हमारे क्या थे, हमारे पास उत्सव महोत्सव त्योहार एवं संबंधित राज्य, यानी कि जो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कई बार पूछ जाते हैं कि बताइए कि सगाई महोत्सव कौन से राज्य में है। तो आप क्या कहोगे? मणिपुर राज्य में। अब आपके पास आ गए कि मकई महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो क्या कहोगे आप? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। अब आपके पास आ गया हॉर्नबिल महोत्सव, तो आप क्या कहोगे? नागालैंड में मनाया जाएगा। आपके पास आ गया नुआखाई महोत्सव, क्या नुआखाई महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? उड़ीसा राज्य में। अब आपके पास पूछ लिया जाए कि रण, बताइए कि रण महोत्सव या युगादि त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहोगे गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अब आपके पास पूछ लिया जाए कंबाला भैंसा दौड़, क्या कंबाला भैंसा दौड़ कौन से राज्य में होती है? तो आप क्या कहोगे? कर्नाटक राज्य में होती है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में होती है। अब आपके पास पूछ लिया जाए कि बताए कि पोंगल या जलीकट्टू, क्या जलीकट्टू त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया है कि बताइए बिहू या अंबुबाची त्योहार, क्या अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो आप क्या कहोगे? असम में लगता है। अब आपके पास पूछ लिया है कि बताइए गुड़ी पांडवा त्योहार, क्या गुड़ी पांडवा त्योहार कौन से राज्य में है? तो आप क्या कहोगे? महाराष्ट्र राज्य में लगता है, त्योहार होता है यहाँ पे। आप क्या कहोगे? लुसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहोगे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब आपके पास पूछ गया है कि ओणम त्योहार, क्या ओणम या ओनम कुछ भी आ सकता है, ओणम लिखा सकता है या ओनम। तो आप क्या कहोगे? केरल राज्य में मनाया जाता है।
अब आपके पास आ जाए कि आदि महोत्सव कहाँ पर होता है, तो आप क्या कहोगे, लेह लद्दाख में होता है। अब आपके पास पूछ लिया जाए कि बताइए पुष्कर मेला या हाथी महोत्सव, पुष्कर मेला या हाथी महोत्सव कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। और पुष्कर मेला होता है जो हमारे, पुष्कर मेला जो एक ही जगह लगता है वो सिर्फ राजस्थान में ही लगता है। अब आपके पास आ जाए कि बताइए कि सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है, सूरज कुंड मेला तो आप क्या कहोगे, हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के किसमें, फरीदाबाद में लगता है। तो आप बताइएगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर दीजिए और अपनी राय बताइएगा कि अब किस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए, तो हम उस पर भी बना देंगे। यानी कि क्या आपका टॉपिक छूट रहा है, मेरे हिसाब से अब मैं सब लेकर चल रहा हूँ, तो आप बता ही दीजिएगा कि किस राज्य में है, सॉरी ये आप की कौन सी बनानी चाहिए या नहीं। अब आपके पास है कि आप इसे बढ़िया सा नोट करिएगा, और आप क्या बढ़िया सा नोट करें और क्या करें, इसे बार बार रिवाइज करें 2-3 दिन तक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा से याद हो जाएगा और आप पेपर में करने लायक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम किसमें, अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।